This is too much, Mr. Ganguly. मुझे अभी अभी पागलखाने पे फोन करना पड़ेगा क्योंकि आप पूरे पागल हो गए हो। अच्छा, मैं तो खुशी खुशी पागलखाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बेडरूम में मेरे साथ आके जाके देखिए कि वहाँ पे जो है वो भूत आए कि नहीं आए। मुझे तुझे आने की जरूरत क्या थी, वो भी इस चतुर के फोन करने पे। अरे मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, मैं घर आ गया था। अरे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर फिक्र होगा। एक मिनट, क्यों ना हम अंदर जाकर देख ले और तसल्ली कर ले। What's wrong with you, doctor? एक डॉक्टर हो के आप ये भूत प्रेत में बिलीव करते हो? सुपरस्टिशन? What is this? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अगर मिस्टर चतुर गांगुली को तसल्ली हो गई तो वो भी सो जाएंगे और हमें भी सोने देंगे। चतुर जी, आप आगे खबर ये है कि मैं अभी दुगा भाभी को बुलाता हूँ। मैं भी फोन करता हूँ। अरे दुगा को बुलाओ या काली को बुलाओ, आज मैं तब तक नहीं जाएंगे जब तक भूत का भूत और पानी का पानी नहीं होंगे। चलिए मिस्टर चतुर जी। जाइए चतुर जी, जाइए डॉक्टर अंदर देखिए, वेला है कि नहीं देखिए। क्या कर रहा है? अबे करे, अंदर जीनी है तो इन्फॉर्म कर रहा था ताकि वो फट से अपना रूप बदल ले। चल मजा देखते। ये रहा फट। क्यों चतुर जी, अब यकीन हो गया कि यहाँ विल ही है? हे भगवान, जीनी तो वेला बन के आराम से सो रही है, इसका मतलब जीनी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। लगता है आज मुसीबत आके रहेगी। अब आया ना भूत पहाड़ के नीचे। पूरी बाबा, फाइनली मैंने भूत को पकड़ लिए। मैंने भूत को पकड़ी। होल्ड इट, कंट्रोल चतुर जी। वेला, ये तूने क्या किया? ये बोल रहे हैं कि ये वेला है। वही तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ वेला, कि अगर तुम मेरे सामने खड़े हो वेला, तो चद्दर के अंदर वेला कैसे सो सकता है? बोल वेला, बोल। अरे उससे क्या पूछता है, वो नहीं है वेला, ये तुम्हारा बगल में है वेला, ये तो है भूतेला। आराम, ये भूत के राज से पर्दा हम उठाएंगे। Gentlemen, I give to you Bhut! Yay! Mr. Chatur Ganguly, kidhar hai Bhut? कहाँ है भूत? भूत बोल जी, मैंने भूत को देहा कैंप किए थे, अभी पता नहीं भूत। चतुर जी, अब तो आप चुप हो जाइए। बेला, व्हाट इज दिस? ये सब तूने क्या किया? मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता भूत कहाँ है। तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तूने क्या किया वेला। क्या? जब मैंने तुझे कहा कि जाके तू बेडरूम में सो जा वेला, तो तू यहाँ आया, तू यहाँ पर सोया, बाद में तूने चद्दर के अंदर टक्के डाले, खिड़की से बाहर गया और दरवाजे से अंदर आया। वेला, तूने ये क्या किया वेला? अच्छा, तूने मुझे पकड़ लिया। अरे वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी यार, तो मैंने सोचा डॉक्टर के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। मेरे साथ मजाक? डॉक्टर ऑफिस में तो टाइम मिलता नहीं है, वहां तो काम ही काम होता है। What is this? He's a genius doctor, और डॉक्टर के साथ तू ऐसा मजाक करता? Tell me sorry. I'm really sorry. It's just prank. छोटा सा prank था बस। It's okay, Captain Vela. आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, please. No, never. तू चिंतू आखिर वो भूत गए किधर? गांगुली, आपको क्या लगा आप इतनी आसानी से मुझे पकड़ लोगे? हाँ, अच्छा आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो ना। आओ पकड़ो। मिस्टर चतुर गांगुली, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि यहाँ भूत नहीं है? पूरी तरह से तसल्ली हो गया है कि यही भूत है। वो भूत जो बेला बन गया था, अब मक्खी बन गया है।
वो मेरा कान में आके मेरे को चैलेंज किया कि मैं उसको नहीं पकड़ पाएंगे। अब तो मुझे पागल खाने में फोन करना ही पड़ेगा। अरे ना ना, एक मक्खी को पकड़ने के लिए एम्बुलेंस बुलाने का कोई जरूरत नहीं है, मैं पकड़ेंगे। पकड़ो ना। बस हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम हमारे को बुद्धू बनाता है, हम छोड़ेगा नहीं। क्या है मतलब आप ठीक हो? नहीं, हम ठीक नहीं है। हम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम इस भूत को देखिए। अभी हम घर जाता है, बहुत थक गया है। खुदाई जी, ओ खुदाई जी, इस घर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं यहाँ आया ही क्यों? मैं जा रहा हूँ कैप्टन विकी। डॉक्टर, ऐसे कैसे जा सकते? आपके घर में तो पेस्ट कंट्रोल हुआ है। पेस्ट कंट्रोल हुआ है ना? अरे यहाँ तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैं जा रहा हूँ कैप्टन वेला, आई एम गोइंग। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक। ओ फाइनली सब लोग गए। 4:30 बज गए यार, अब क्या सोना। एक काम कर, जीनी को आवाज लगा, कुछ कॉन्टिनेंटल छॉन्टिनेंटल मंगाते हैं, चाय वाय पीते हैं, गपशप मारते हैं। वे, वे, वे। ओ हेलो, तुझे क्या लगता है यहाँ लंगर लगा है? चलो जा। अबे तू सीढ़ियों से गिर गया था, तुझे देखने आया था मैं। वो एक अफवाह थी। आई एम परफेक्टली ओके, आप जा सकते हो। तू सच में टंबल हो सकता था, मालूम है ना? थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बाय बाय। क्या यार, तू बहुत बहुत जलील करता मेरे को। करता क्या, तू है। बाय। सब चले गए, सब चले गए, यकीन नहीं हो रहा। जिनी, 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 अरे कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। मित्रम मित्रम, इससे पहले कि मुझे आ जाए हार्ट अटैक, हम कृपया करके आप बन जाए जिनी शीघ्रम। आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। आया ना तुम्हें मजा? होगी शरारत। गुड, अब कृपया करके जीनी मैडम आप जाके सो जाइए। जूजू, मैं सोच रही हूँ कि की? की? मैं सो तो कहाँ सो? जीनी, कुछ ही सेकंड में मुझे अपनी सारी शक्ति वापस मिलेगी। फिर भी एक बार कोशिश करके देखूं। नहीं हुई, कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई करती हूं। ये मैं गायब हो गई। ये मैं तो सच में गायब हो रही हूं। एक और बार ट्राई करती। मैं तो सच में गायब हो रही हूँ। जब जूजू को इस बार में पता चलेगा, जूजू कितने खुश होंगे। जूजू भंगड़ा करना शुरू कर देंगे। ये मेरी सारी शक्ति वापस मिल गई। चलो जूजू को जाके इस बारे में बताती हूँ। ऐसे क्यों जाऊंगी, मैं गायब होके जाऊंगी। जूजू, मेरे प्यारी जूजू। जूजू उठो ना। पता है, मुझे अपनी सारी शक्ति वापस मिल गई। अब मैं पहले की तरह गायब हो सकती हूँ। जूजू उठो ना।
टाइम क्या हुआ है? जूजू टाइम? टाइम बहुत अच्छा है। मित्रम, उठो ना। आज आपको ऑफिस नहीं जाना। हाँ, काम करो, गरम गरम चाय बना दो। फिर मैं उठता हूँ। ओके, अभी लाई। चाय हाजिर है जापना। ये कनीज आपके उड़ने का इंतजार कर रही है। लगता है शहजादे सलीम को अनारकली स्टाइल में नहीं, चीनी स्टाइल में उठाना पड़ेगा। पागल हो गई तुम? सुबह सुबह को ऐसे करता है? उंगली जल गई ना मेरी? तो जूजू मैं क्या करूं? मैं कब से आपको उठाने की कोशिश कर रही हूं और आप हो कि घोड़े बेच के सो जा रहे। और जूजू मुझे आपको इतनी अच्छी खुशखबरी भी देनी थी। खुशखबरी? अरे वाह, इसे बावाज़े बुलंद पेश किया जाए। नहीं है, बोलो। जूजू, आपको पता है अब मैं कायम हो सकती हूँ। सच्ची? हाँ। Oh my God, I'm so happy. जिनी, कई दिनों से तुम्हें गायब होते हुए नहीं देखा, प्लीज एक बार होके दिखाओ ना। जूजू, एक बार तो क्या, आप जितनी बार को उतनी बार मैं गायब हो सकती हूँ। नहीं फिलहाल एक बार तो। अच्छा। थैंक गॉड गायब हो गई। अब मैं आराम से चाय पीऊंगा, फटाफट तैयार हो जाऊंगा। जिनी, व्हाट इज दिस? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूजू, आपको चाय के साथ बिस्किट चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं। फॉर गॉड सेक तुम यहाँ से जाओ। जीनी, मुझे तैयार होना है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फिर सवाल? पूछो। सुबह सुबह इतना सड़ू होना जरूरी है? सड़ू? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, जवाब नहीं देना है तो मत दो। ओके बाय। ओ सॉरी, बाय सड़ू। सड़ू? What is this? ये सब कहाँ सीखती है यार ये? Idiot box. जीनी, सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपको बस अपना ऑफिस दिखाई देता है। कभी आपने मुझसे ये कहा कि चलो जीनी आज मैं छुट्टी लेता हूँ, तुम और मैं हम थोड़ा वक्त बिताएंगे। ये सब इस जादुई डिब्बे के वजह से हो रहा है। तुम इसमें देख देख कर गाने सीखती रहती हो और उन गानों का तीर मुझ पे चलाती हो। जूजू, मेरे जादुई डिब्बे को कुछ मत बोलो, पूरा दिन घर पे मैं बोर होती रहती हूँ। अरे तो कौन कहता तुम्हें पूरे दिन घर में बैठने के लिए? बाहर जाओ, दुनिया देखो, घूमो फिरो, लेकिन कोई मुसीबत को गले मत लगाओ। जूजू, क्या रॉब चिक का आइडिया दिया है? सॉरी। रॉब चिक? ये भाषा कहाँ से सीख ली तुमने? जूजू, वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर टाइम आने पे मैं पत्ते खोलूंगी। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि मैं घूमने जाओ तो कहाँ जाओ? अरे ज्यादा दूर मत जाओ, तुम एक काम करो, के पास में जो मॉल है ना वहाँ से शुरू करो। गुड आइडिया। पर जूजू, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं क्या करूँ? तो उसे खरीद लेना, जादू से गायब मत कर लेना, समझी? ये लो। ठीक है। इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं, तुम्हें वहाँ जो भी पसंद आए ना इससे पेमेंट कर देना। अच्छा जूजू, इसका मतलब आपके पास भी ये जादुई कार्ड है जिससे बिना पैसे दिए मैं जो चाहो खरीद सकती हूँ? जो चाहो नहीं, जिस चीज की जरूरत हो वही खरीदना, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की भी एक लिमिट होती है, वरना ये बेकार है। ओके ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओ रिपोर्टर, किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? हाँ देखो तो सही क्या है। अखबार बंद कर। क्यों? क्योंकि ये खबर इंसानों के लिए नहीं, जिनलैंड के लोगों के लिए है। अच्छा, तो जीनी लैंड के लोगों पर लैंड करना था ना, मुझ पे क्यों लैंड किया? अच्छा ओके, होल्ड इट। लो बाबा। बाय बाय। ये क्या है? ये तो वही पुरानी घिसी पिटी खबरें छपी है। मैं मेरा फेवरेट कॉलम देखती हूँ, लव एडवाइस।
जीनी दुग्गू ने क्या लिखा है? प्यार का सुपर हिट फॉर्मूला नंबर 666। जीतना हो अगर अपने जुजू का मन, तो बन के दिखा दो बीवी नंबर 1। वाह, क्या आइडिया है! अब मैं अपने जुजू को बन के दिखाऊंगी बीवी नंबर 1। और मुझसे अच्छी बीवी तो उन्हें मिल ही नहीं सकती। I'm the best। नया साल हम सभी के लिए नई खुशियां लेकर आया है। गुड न्यूज, और गुड न्यूज ये है कि लंदन एयरवेज के मिस्टर स्मिथ हमारी प्रिया एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाने को रेडी हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है सर ये तो। जीजू, मेरा नया पर्स देखा? एकदम मैचिंग मैचिंग। कैसा है? अच्छा है ना? जूजू, मैं इसे खरीद लूं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मैं खरीदना खरीद लूं, लेकिन यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, ओके? जूजू, आपको पता है, बीवी नंबर 1 सब कुछ अपने पति से पूछ के करती है। तभी तो मैं यहाँ आपसे पूछने चली आई। बताओ ना, खरीदू या नहीं? जाओ, जाओ। मुझे भी बहुत काम है, बहुत सारी शॉपिंग करनी। बाय। ये तो पागल करके रहेगी मुझे। अब विकी, तुमने कुछ कहा? नहीं तो? तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि डैड, विकी अपने लैपटॉप में बिजी है, जरूर किसी से पर्सनल चैटिंग कर रहा है। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप देख सकती हूँ विकी? ये देखो, मैं तो ऑफिशियल काम कर रहा था सर। क्या यार प्रिया, बेकार में बेचारे पे शक करती रहती हो हमेशा तुम। ओके, कम ऑन प्रिया। एनीवेज, मुझे आप सबको और एक गुड न्यूज देनी है। क्या बात कर रहे हैं सर, एक और गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि आज मिस्टर स्मिथ दोपहर को हमारे ऑफिस में आ रहे हैं। ₹3200 मेरे क्रेडिट कार्ड से ये। चलो, इंसानों की तरह जीनी ने वो पर्स खरीद ही लिया। मिस्टर स्मिथ अकेले नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी मिसेस स्मिथ भी आ रही है, और ये दोनों इंडिया में पहली बार आ रहे हैं। सो प्रिया, वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और इन्हें तुम पर्सनली अटेंड करोगी। ऑफ कोर्स डैड, मैं मिसेस स्मिथ का पूरा ख्याल रखूंगी। ₹1,00,000 क्रेडिट कार्ड से गए। ₹1,00,000 व्हाट? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.